हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ हेटेरोजाइगस पी प्लांट विद वायलेट फ्लावर वाज क्रॉस विद होमोजाइगस पी प्लांट विद वाइट फ्लावर। वायलेट इज डोमिनेंट ओवर वाइट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन अमंग 40 प्रोजेनीज फॉर्मड। इन ऑप्शन ए 30 प्रोड्यूस वायलेट एंड 10 प्रोड्यूस वाइट फ्लावर्स एंड इन ऑप्शन बी 20 प्रोड्यूस वायलेट एंड 20 प्रोड्यूस वाइट फ्लावर्स। इन ऑप्शन सी ऑल 40 प्रोड्यूस वायलेट फ्लावर्स एंड इन ऑप्शन डी ऑल 40 प्रोड्यूस वाइट फ्लावर्स। So firstly, see about the key concept of this question, and here we are going to see about the law of dominance. तो देखो, law of dominance के अंदर हम देखते हैं कि जो heterozygous condition होती है, for example, heterozygous condition like capital T small d, यहाँ पे क्या आता है, d dominant over small d, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो प्लांट है वो हमें कैसा मिलेगा, टॉल मिलेगा, क्योंकि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है, विच इज नॉट कैपेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें केस दिया गया है इन द क्वेश्चन, इसमें बोला गया है हेट्रोजाइगस पी प्लांट विद वायलेट कलर। ठीक है, हेट्रोजाइगस पी प्लांट है वायलेट कलर का, तो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉयलेट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल वी एंड स्मॉल पी इज रिप्रेजेंटिंग दी वाइट कलर। तो ये यहाँ पे क्या है, वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर, ठीक है, वॉयलेट कलर हेटरोजाइगस कंडीशन में इसका क्रॉस कराया जाता है विद होमोजाइगस पी प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर। तो यहाँ पे देखो, स्मॉल वी स्मॉल पी इज रिप्रेजेंटिंग द व्हाइट फ्लावर। ठीक है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, वॉयलेट डोमिनेंट है ओवर व्हाइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन। तो देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें, सो देयर आर टू टाइप ऑफ गैमेट विल फॉर्म, और यहाँ पे सभी सेम टाइप के गैमेट बनेंगे। तो जब हम यहाँ पे क्रॉस कराते हैं कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, स्मॉल वी स्मॉल वी, स्मॉल वी स्मॉल वी, तो जब किसी भी हेटरोजाइगस का क्रॉस रिसेसिव से कराया जाता है होमोजाइगस कंडीशन में, तो ये एक टाइप का टेस्ट क्रॉस होता है। ठीक है, जो बेसिकली टेस्ट क्रॉस किसी अननोन का जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए होता है। यहाँ पे हमें जीनोटाइप तो गिवन है कि ये वायलेट कलर है, तो यहाँ पे जो फोर प्रोजेनीज बन रही है, इसमें दो प्रोजेनी वाइट बन रही है वाइट फ्लावर, और दो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वायलेट, तो 50-50% बन रही है। अगर टोटल 40 प्रोजेनीज हैं, टोटल प्रोजेनी जो है वो 40 है, ठीक है, तो 40 में से हम यहाँ पे देखेंगे 20 जो है दैट इज द वायलेट एंड 20 क्या होंगी वाइट, 20:20 दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी, 20 प्रोड्यूस वायलेट एंड 20 प्रोड्यूस वाइट फ्लावर। सो हियर फाइनली करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।